लुधियाना दे एक परिवार ने 1.5 करोड़ की लागत नाल बनी अपनी कोठी नू श्री गुरुद्वारा साहिब नू कीता दान। परिवार का कहना है कि उन्हां दे कोई औलाद नहीं है ते जिहड़े उन्हां दे रिश्तेदार है वह रखते सी कोठी दे उत्ते नज़र। गुरुद्वारा साहिब दे कमेटी दे मैंबरां दे वल्लों इस कदम की तारीफ की गई है तो उन्हां दा कहना है कि असी इस कोठी वाली जगह पर बनावांगे हस्पताल या डिस्पेंसरी। आओ देखो तस्वीरां ते जाणो की है पूरा मामला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बहुत धन्यवादी हाँ माता वरिंदर कौर जी का जिन्होंने गुरुद्वारा ई ब्लॉक बी रस नगर न अपनी कोठी 527 ई डोनेट की है भाई रणतीस नगर। मैं उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करता तो उन्होंने विश्वास दिलाना भी असी इत इन्ह के मकान हॉस्पिटल स्टूडेंट का सिखलाई केंद्र मतलब वधिया तरीके यूज़ करा इन्होंने पूरी इंश्योरेंस देने 527 बी आर एस नगर 200 गज लागत यदि तकरीबन 1.5 करोड़। प्रधान जी एक सवाल है कोठी डोनेट की गई है नहीं एस जी पीसी का कोई नहीं है जी साड़ी सिंह सभा हैगी है रजिस्टर्ड सिंह सभा हैगी है हाँ उन्होंने इन्होंने दी है। हम एफर्ट्स लैके चले क्योंकि एक बड़ा कदम है परिवार वालों एक अपनी जगह साड़ी पूरी कोशिश है जी। सब तो पहला एक इतने लैब वधिया तरीके की लैब खोलेंगे 50% डिस्काउंट से वो भी संगतों समूह इलाका निवासियों उस चीज़ का फायदा हो। उस तो बाद होस्पिटल का रखिया असी प्रपोजल जिस तरह सारी कमेटी ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ RTGS ਕਰਾਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ साड़ी सारे जड़ी प्रबंधक कमेटी निष्काम सेवा करती है समझ गया ना तो उत्थे किसी चीज़ की तोड़ नहीं है जी। प्रधान जी इस तो अलावा हट के थोड़ा जिहा सवाल हैगा कि लगातार लोग जिस तरीके नाल धर्म परिवर्तन वाल जा रहे हैं कि जिहड़े साडे प्रचारक हैगे वो सही नहीं हैगे तुसीं किस तरीके दे नाल प्रचार कर रहे हो किस तरीके दे नाल जिहड़ा तुहानूं साडे सैक्टरी साहब दस्सणगे। की नाम है जी तुहाडा? विविंदर कौर वालिया। वालिया जी कित्थों रहण वाले हो पहले की प्रोफेशन सी तुहाडा? हां जी टीचिंग प्रोफेशन से ना उत्ते पठानकोट आर्मी पब्लिक स्कूल आई वाज टीचिंग देयर एज ए हेड मिस आई हैव वर्क देयर 9 इयर्स आई हैव की सोच के तुसी अज अपनी जेडी ये तो बस खुशी वास्ते देता ना अपनी खुशी वास्ते अंदर खुशी होंदी है भी हां इत्थे बच्चों के इलाज वास्ते या कोई हॉस्पिटल बनाएंगे या कोई डिस्पेंसरी खोलने कुछ भी उस वास्ते। कितनी जगह कितनी है जी? 200 गज। 200 गज है जी। अप्रोक्सीमेटली अमाउंट कितनी होनी उस जगह दी? अमाउंट तो जी इन्होंने नहीं पता होगा मैंने आइडिया कुछ तो आनो क्योंकि तुसी डोनेट की थी या थोड़ा 1.5 करोड़ किस तरीके ना तुसी देखते हो क्योंकि एक बड़ा मतलब खुशी होती है वो कुछ नहीं मन में बहुत खुशी है कल दी भी आपको करता काम बहुत ठीक है दिमाग तो पर कि लगता नहीं जिस तरीके दे नाल प्रधान जी ने दसिया कि असी इत्थे हॉस्पिटल बनावांगे या डिस्पेंसरी बनावांगे कि ये उपराले लई जिहड़ा चंगा काम हां जी वो वाहेगुरू मेहर करेगा सब कुछ हो जाएगा उसे तो भरोसा आएगा अपन कदों तो मन दे विच इच्छा सी हां जी हां जी कदों तो इच्छा सी मन दे विच हां जी कदों तो सोचा सी कि मैं कोठी दान करनी है ये तो फिर बाद च ही मतलब ख्याल आया है। आम तौर पर देखे जाता जी बच्चे अजकल कहते हैं कि साड़ी प्रॉपर्टी बन गई है लेकिन पेरेंट्स जिस तरीके ना हुण तुसी डोनेट कीती है तो बच्चों के मन दे विच हां बच्चे तो चाहते हैं सानू मिले ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਗਰ ਪਏ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲਗਾਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ SGPC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਇਹ رائے ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ
पहले तो वो ही इस गल के सब तो वड्डे दोषी ने। लेकिन तुहाडा जिहड़ा क्रक्स क्वेश्चन सीगा कि धर्म प्रचारक धर्म प्रचार की कमेटी और जिहड़े प्रचारक है उन्हां च बेशक कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने बहुत तनदेही दे नाल सेवा कर रहे हैं, हर जगह जाके प्रचार हो रहा है। लेकिन असी देखते हाँ कि फाइनैंशियल कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हों लालच दे बस कोई अगर उन्होंने खिंचता है तो जिहड़े बंदियां ने अपने अंदरों अपने गुरु प्रति प्यार नहीं है वो टुट जाते हैं। क्योंकि साड़ी गुरु घर दे विच क्वालिटी मेन है जी, क्वांटिटी बेशक घट रही है लेकिन आपां आने वाले समय देखना है कि हर जगह विदेशों विच भी हर जगह सिख धर्म का इन्ना प्रचार हो रहा है और कोविड के दौरान जो सेवा की है उदे नाल बहुत अच्छा और पॉजिटिव प्रभाव पिया है। पंजाब दे विच जो एक बेल्ट है जिदे खास करके धर्म परिवर्तन की गल जिहड़ी तुसी छेड़ी है उदे बारे मैं ये कहांगा कि SGPC पूरा जोर ला रही है, होर सिंह सभावां सोसाइटियां जोर ला रही ने। लेकिन असी देखते हाँ कि कई बार थोड़े समय के अपने लाभ दे लई और लालच विच आ के ये कुछ कार्य कर रहे ने बंदे। लेकिन मैनू पूर्ण यकीन है कि गुरु घर तो टुट के वो किथे भी नहीं जाणगे और मुड़ के गुरु घर वापस आ के गुरु तो ये अपने नाल जुड़ के गुरु घर की सेवा करन। सवाल एक छोटा जिहा आंदा जी, लगातार एक वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, लगातार सोशल मीडिया से इस गल नूं दर्शाया जा रहा है कि वो एजुकेशन भी फ्री दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। की लगता कि अपने धर्म के अगर जो सिख है जो कोई गरीब परिवारों तो ने उन्हों की जो कोई उन्होंने हेल्प हो सके तो बहुत अच्छा सवाल है जी तुहाडा। SGPC वालों मैं तुहाडा सवाल समझ रहा जी। देखो जी ये सारी जी सुरमोर संस्था SGPC उसका मुढ़ला फर्ज बनता है कि जोड़े गरीब परिवार ने उन्होंने असी सहयोग दईए। अक्सर पंजाब दे विच देखा गया है कि डेरावाद और इस तरह का जो ये धर्म परिवर्तन हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हां दी गरीबी का नजायज़ फायदा उठा के हो रहा। लेकिन साडा फर्ज बनता है कि साड़ी गोलकां जो गुरु की गोलक गरीब का मूँह है उदे विच सानू खोलना चाहिए है। एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन तक खास करके जिहड़ा परिवार नहीं कर सकते SGPC नूं साथ देना चाहिए है। नाल दे नाल होर कित्यां दे विच भी असी जोड़ सकते हैं क्योंकि गुरुद्वारों की लोड़ इतनी है। उन्हें नाल लगते प्रोजेक्ट असी SGPC नूं बेनती करते हैं कि वह लाण और पिंडां दे विच जिहड़े गरीब तबका है वो उहदे नाल जुड़ के अपनी रोजी रोजी कमा सकता है। नाल दे नाल बच्चियां दी विद्या दा बहुत जरूरी ये वड्डी गल है कि असी देईए उन्हां नूं ताकि वह जिथे अपने पैर ते खड़े हो सकते हैं नाल दे नाल धार्मिक विद्या भी जो प्राप्त करनगे उहदे नाल उन्हां नूं माण महसूस होएगा अपने तरफ ते। गुरमीत सिंह बेली यूथ विंग प्रेसिडेंट गुरुद्वारा ई ब्लॉक BRS नगर। आज गुरुद्वारा साहब नू 1.5 करोड़ रुपए की प्राप्ति डोनेट की एक परिवार वालों किवें देखते हो? सब तो पहला तो मैं उस परमात्मा का शुकराना करदा गुरु साहब का। यह पहली बार इतिहास होया जी कि इन्नी वड्डी अमाउंट की कोठी, यह पहली बार इतिहास है गुलबहार सिंह गुल्लू की प्रधानगी हेठ इन्नी वड्डी अमाउंट के विचकार साडे गुरुद्वारा साहब वालिया परिवार ने कोठी डोनेट की है जी। यह अपने इतिहास के विचकार मैं लगता 35-40 साल हो गए किसी ने भी कोई भी यह जहा कार्य नहीं किया। यह सच्चे सुचे बंदे की निशानी है तो जो कि गुरु साहब की कृपा के नाल उन्हां दी प्रधानगी हेठ वालिया परिवार ने कोठी डोनेट की है गुरुद्वारा साहब। वास्ते मैं तुहानूं दसदा भी तुहाड़े मीडिया राही मैं तुहानूं दसना चाहना यह एक सेवा वास्ते कराई है जी। इत्थे असीं चाहुंदे हां भी होस्पिटल खुले तो इतने जिदा टैसट वगैरह चलते हैं भी गरीब बंदे साढ़े ना बिल्कुल लाके दे नाल सनेत पिंड रहा उत्थे काफ़ी गरीब दबके लोग रहिंदे आ वो पता पैसे दे करके मतलब गरीबी करके उन्हां दा इलाज ठीक तरीके नाल नहीं हो पाता। साड़ी पूरी कोशिश रहेगी कि भी इन्हां नूं वधिया तो वधिया होस्पिटल बना के इत्थे दईए होर जिन्ना टैसट वगैरह है सारे इन्हां नूं अधे रेट दे विचकार मार्केट जिदा रेट 500 रुपया या 400 रुपया तो 150-200 जो वधिया सारे टेस्ट करके दईए जी। साडी मेन बेसिक है देखो गल इस तरह तो गुरु साहब की कृपा दे नाल जिहड़ी कोठी वालिया मैडम दित्ती है तुसीं तुहानूं परमात्मा मीडिया नूं कहना तुहानूं परमात्मा लंबिया उमरा दे तुसीं भी इत्थे आ के देख लियो कि कोठी इत्थे ही रहिंदी है किधरे भी नहीं आंदी। गुरु घर चीज गुरुद्वारे दे नां ते रजिस्ट्री हुई है लेकिन मैं बहुत धन्यवादी हाँ गुलबहार सिंह गुल्लू के प्रधानगी हेठ भी यह कोठी गुरुद्वारे अपने डोनेट की है। अज तक पूरा इतिहास जिहड़ा है एक बहुत बड़ा इतिहास है जी ते नाले इहदा शुकराना करते हैं जिन्होंने भी गुरु घर के विचकार गंद पाने की कोशिश की है उन्होंने सब तो वड्डा चपेड़ पई है गुरु साहब वालों कि यह देखो कि यह प्रधान जिहड़ा है सब तो नेक और सब तो ईमानदार और सब तो वधिया और जिहड़े विरोधी धर दे जिन्हें इलैक्शनां वाले सानू परेशान किया उन्होंने सब तो वड्डा थापड़ा है
उन्होंने सब तो वड़ा और तुम एक गल होर दस देना चाहना मीडिया साहब भी जेडे कल परसों एक बंदा अपने अकाउंट नंबर गुरुद्वारा साहब का लैके गया उ ₹5,10,000 रुपया अकाउंट पाया और उन्होंने कहा मैनू कि भी अगले महीने तक 3-4 लाख रुपया अं होर दोगे इस तरह करते करते जी कमेटी नवी जी कमेटी नेक तो चंकी हो और चलाने वाला चंगे बंदे बैठे होन हरेक बंदा देना चाहता है जी ठग ठोरों कोई नहीं देना चाहता जोड़ा अज तक जो इतिहास होया सिर्फ गुलबहार सिंह गुल्लू की प्रधानगी हेठ प्रभजोत वीर जी जनरल सकत्र रविंदर वीर जी कैशियर जो कि सब तो नेक और सब तो चंगे इंसान है जी।